नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अभी एनटीपीसी का जो वैकेंसी आया है तो ये भी भरेंगे। कुछ कुछ पोस्ट है जो इनको पसंद है और भरना ही है इनको भी। तो इसके लिए कहाँ से क्या पढ़ाई करेंगे, क्योंकि सब कुछ जल्दी जल्दी होगा ऐसा कहा जा रहा है, तो तैयारी भी तो करना ही पड़ेगा। तो भाई साहब, पढ़ने के लिए कहाँ से क्या पढ़ना है? पढ़ने के लिए जो पढ़े हुए हैं उसको बस मैथ रीजनिंग तो पढ़ना नहीं, उसको थोड़ा रिवीजन। अच्छा, मेन जैसे देखिए CBT 1 का जो सिलेबस है, हाँ, मैथ रीजनिंग मिला के 30-30 नंबर का, 60 नंबर का और 40 नंबर का जीके है, ठीक है? तो मैथ के लिए आप क्या करेंगे? मैथ के लिए जो पढ़े हुए हैं उसी को रिवीजन करना, सेट प्रैक्टिस से हमको लगता है मैथ हो जाएगा। पिछले बार एग्जाम में मैथ में कैसा नंबर गया था आपका? मैथ में ठीक ही था, लेकिन सिलेबस बढ़िया था कि जीके में बढ़िया था? सब एवरेज ही था, क्योंकि सिलेबस चेंज कर दिया, टाइमिंग के कारण सारा वो हो गया। इस बार अच्छा सिलेबस उसी बार चेंज हुआ था, चेंज हुआ था ना। लेवल पहले जीके पूछा जाता था, लेवल 6 में हार्ड कर दिया, पैटर्न थोड़ा बदल दिया। नहीं भाई साहब, सीबीटी 1 की हम बात कर रहे हैं। थोड़ी से पहले बता दें, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस सेट हेल्प करेगा। अभी इसमें ईयरली पास प्रो सेल चल रहा है, जिसके अंतर्गत जिसका प्राइस 700 के आसपास होता है वो अभी आपको 527 रुपये में मिल जाएगा। और अगर आप MBO कोड यूज़ करते हैं तो एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो पूरा रिफंड हो जाएगा। और साथ ही NTPC के लिए 1000 से अधिक CBT 1 और CBT 2 का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, वो भी चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सब कुछ अलग अलग तरीके से दिया गया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कोड यूज़ करना है MBO, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो आपको मिल जाएगा। और पूरा फील एग्जाम की तरह होगा, क्योंकि 16 लाख से अधिक बच्चे एनरोल हैं, तो आपको रियल कंपटीशन, रियल रैंक पता चल पाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर विजिट कीजिएगा, डेफिनेटली आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। सीबीटी 1 की बात कर रहे हैं, हाँ, जिसमें 100 नंबर का था, वो तो 120 नंबर का था। हाँ, 120 में। तो उसमें आपका मैथ में अधिक था कि जीके में अधिक था, याद ही नहीं होगा? याद ही नहीं है। हाँ, बहुत पहले हुआ था ना। तो खैर, अभी मैथ के लिए कौन सा बुक या किसका फॉलो कर रहे हैं कुछ बताइए? मैथ के लिए कुछ फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं बस। हाँ, वही जो सेट ऑफलाइन या ऑनलाइन? ऑफलाइन प्लेटफॉर्म का ही हम मैक्सिमम लगाते हैं, और उसी को हम मैथ रीजनिंग उससे देख रहे हैं। जीके के लिए लुसेंट रखे हुए हैं। तैयारी करना शुरू किए हैं कि करेंगे? शुरू कर रहे हैं, बिहार से कर रहे थे ना। अच्छा अच्छा, हाँ, वो कंटिन्यू मेरा है। तो साइंस एनसीईआरटी रीजनिंग के लिए बताइए, मैथ का तो हो गया प्रैक्टिस? मैथ का हो गया, रीजनिंग का वो प्लेटफॉर्म का आया था एक बिहार स्पेशल आया था ना, वो मेरे पास है, वो उसी को देखते हैं। अच्छा चलिए, अपना तो आपका चलिए कैसे कैसे खींचेंगे। नया जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, अच्छा, मान लीजिए, और एक बेस जिसका कंप्लीट हो गया है, मतलब कहीं 3-4 महीना या 6 महीना पढ़ लिए होंगे, तो वो कहाँ से क्या पढ़े उनके लिए कुछ बताइए। देखिए, नया विद्यार्थी जिसका सिलेबस कंप्लीट है उसके लिए बताते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं कोई भी मास्टर के पास, टीचर के पास मैथ रीजनिंग हो गया है, जीके भी पढ़ लिया या नहीं भी पढ़ा है, कोई बात नहीं, मैथ रीजनिंग क्लियर है, उसके लिए है कि सेट प्रैक्टिस करेगा। जहाँ मैथ कमजोर है, जिस चैप्टर से गलती होता है, उसको यूट्यूब या कहीं से रिविजन अपना करना चाहिए, और रीजनिंग में भी सेम कंडीशन में, और सेट प्रैक्टिस डेली हो ही जाना चाहिए और टाइमिंग के साथ होना चाहिए। मतलब कौन सा, जैसे मैथ रीजनिंग तो चलिए आदमी कर लेगा, हाँ, तो सेट प्रैक्टिस से, जीके के लिए जीके 40 नंबर का है, यानी 50% कह सकते हैं कि, हाँ, जीके का उसमें है। तो जीके के लिए वही हम, अरे एक चीज हम कह दें, जैसे अभी जो भी एग्जाम देख रहे हैं हम, जो कट ऑफ आता है, तो देखिएगा जितना नंबर का मैथ रीजनिंग होता है उस दोनों को जोड़ दीजिए, और जीके का आधा नंबर 50% उस पर रिजल्ट आ जाता है, ठीक ना? तो मैथ रीजनिंग अगर 60 नंबर का है तो आप कोशिश कीजिए 60 में 58-55 उतना लाने का, 95% लाना पड़ेगा। हाँ, और उसमें आ भी जाएगा, क्योंकि इसीलिए मैं कह भी रहा हूँ। और जीके में पूरा नहीं, पूरा 100% लाना है ये, जीके कितना भी पढ़ने के बाद उतना नहीं आएगा। हाँ, नहीं आता, नहीं आता है। फिर भी जीके के लिए आपको कहाँ से हेल्प करता है? मतलब जीके लुसेंट बुक है, जिसके पास कोई नहीं पढ़ा हुआ है सिलेबस से, तो उसके लिए लुसेंट सबसे अच्छा बुक है। हम तो पढ़े हुए थे, पूरा दरोगा के लिए कंप्लीट किए हुए थे जीके, नोट्स है मेरे पास, जो नोट्स पढ़े हैं तो उसके लिए वो ठीक है, जो नहीं पढ़े हैं उसके लिए लुसेंट बेस्ट है। हम लुसेंट भी अभी पढ़ रहे हैं और अपना नोट्स भी पढ़ते हैं। जीके में कंफ्यूजन नहीं होता? कंफ्यूजन होता है हमको, जीके में इतना कंफ्यूजन होता है, मतलब लगेगा 2-3 ऑप्शन तो मतलब ऐसा कर देता है, लगेगा ये भी होगा ये भी होगा, जीके में हमको पता नहीं है, बहुत कंफ्यूजन होता है। पहले देखिए मेरा ठीक है, हमको लगा दरोगा तैयारी किया ना जीके, वहाँ से ठीक हुआ। जीके में बस ये है कि 2-4 बार पढ़ना पड़ेगा कंटिन्यू एक बुक को, ये नहीं कि लुसेंट भी पढ़ लिए, क्रॉन पढ़ लिए, तो 2-3 बुक पढ़ना नहीं, नहीं चाहिए। कोई एक बुक सेलेक्ट कीजिए, उसको पढ़िए, 4-5 बार पढ़ना है बस, और सेट प्रैक्टिस करते रहना है, प्रीवियस पर ध्यान देना है। फालतू हवाबाजी में नहीं पढ़िएगा कि फलामा टॉपर का इंटरव्यू देख लिए, इंस्टीट्यूट पे ये इंटरव्यू देख लिए। मैं कुछ दिन पहले ही वीडियो सजा किया हुआ था कि भाई वहाँ पे अलग चीज होता है, जो जेन्युइनिटी है, जो भी क्वालिफाई करके आ रहा है ना, वो नॉर्मल चीज ही बताता है, लेकिन लोगों को क्या होता है कि कुछ ये अलग बता देगा, 10 क्वेश्चन बता देगा या कोई पतला सा एक बुक बता देगा, वो पढ़ने से हो जाएगा, बुक से नहीं होगा, कभी भी सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ही होगा।
और ऐसा नहीं होता कि कोई एक बुक से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। आप कभी कोई फिल्म देखे होंगे, एक क्वेश्चन था कि टेस्ट में सबसे अधिक शतक कौन मारा हुआ है, तो अकबरुद्दीन या कुछ ऐसा था, वो हम कोई मैच देखे हुए थे उसका वो क्वेश्चन आ गया था, हम ठीक मार दिए। बहुत लोगों को हार्ड क्वेश्चन लगा होगा क्योंकि बुक में था ही नहीं। आज के डेट में और देख रहे हैं स्टैटिक्स का ज्यादा महत्व है। हाँ। स्टैटिक पूरा पूछ रहा है इधर, कहीं से कुछ पूछा जा रहा है तो आप अपना आंख का नाक खुला रखिएगा ना, क्या न्यूज में आ रहा है उसी से होगा। कोई टीचर या कुछ ऐसा पढ़ाने से वो करंट अफेयर का जो स्टैटिक्स बनता है ना उसमें लेटेस्ट जीके वो ज्यादा आजकल मतलब एग्जाम में मतलब उसको ज्यादा डाल रहा है। मैंने पढ़ी सेट मारी है और एक पे डिपेंडेंट नहीं हुई है, जैसे आप मान लीजिए टेस्ट बुक ही मार रहे हैं तो टेस्ट बुक पे ही अटके हुए हैं, ऐसा नहीं। तीन चार का मारिए और बताना हम चाहते हैं टाइमिंग का इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनटीपीसी में मेंस में इतना टाइमिंग खराब हुआ ना तो और कट ऑफ जाता, पहले वाला जैसा रहता और कट ऑफ जाता, लेकिन इतना टाइमिंग का दिक्कत हो गया सबको। पहले क्या किया, हार्ड सवाल दे दिया, उसके पीछे पीछे हल्का दे दिया, सब हार्ड में उलझ गया, पीछे टाइमिंग कम है, 20 मिनट में 50 क्वेश्चन बचा हुआ, ऐसा हुआ, सब उलझ गया। जिसका टाइमिंग है वो पूरा देखना है, ये नहीं कि नहीं बन रहा है शुरू में उसको घेर के रखना है, वो दूसरा राउंड में उसको बनाना है, पहला राउंड में पूरा एक बार देखना है हल्का वाले जो भी शुरू से लास्ट तक। ये जिसका सिलेबस कम्प्लीट है जो सेट मार रहे हैं उसके लिए बहुत काम करेगा। और हमेशा मैथ या रीजनिंग जब 25 का ऐसे बना रहे हैं तो उसमें टाइमिंग लगा के मारिए। ग्रुप में हम लोग अपना कहानी बताते हैं, हम लोग 13 लड़का थे, एक बार और बताए थे 13 में एक लड़का बचा हुआ है, सबका हो गया, सबको रेलवे में भी माइंड फ्री लेके टेंशन नहीं लीजिएगा। देखिए बेरोजगारी में टेंशन होता ही है, पूरा माइंड फ्री होकर अच्छे से पढ़िएगा तो रिजल्ट आ ही जाता है। टेंशन सबको होता है बेरोजगारी में, ट्यूशन पढ़ा के सब ऐसा नहीं है कि नौकरी होने के बाद टेंशन नहीं होता है, टेंशन एक ऐसा चीज है ना जो हमेशा रहेगा, ठीक है। नौकरी के बाद और ज्यादा होता है, लेकिन बोलने के बाद कमेंट में गाली आएगा तो इसीलिए बस अच्छे से पढ़िए, पूरा बोल्ड होके कि हो ही जाएगा। अब ऐसा नहीं कि हर जगह बोलना शुरू कर दीजिए, मतलब और रिश्ता ये सब कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए, शादी ब्याह ये सब छोड़ दीजिए, अच्छे से फोकस करके पढ़िए और टेस्ट पे जितना हो सके ना अधिक से अधिक नंबर लाने की कोशिश कीजिए। ये संतुष्टि नहीं कीजिए कि जनरल को चेंज करके ओबीसी कर दे, देखते कट ऑफ कितना गया है, हमको कितना आया है। देखिए सीधा ओवरऑल में 10% के अंदर आपका रैंक आना चाहिए, जैसे भी करके हो आना चाहिए वो, नहीं तो मन को संतुष्टि दीजिएगा कि नहीं यार टेस्ट में कमा रहे तो क्या दिक्कत है, एग्जाम में तो आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वही बच्चा वहाँ ऑनलाइन मार रहे हैं जैसे उसमें कोई दिक्कत नहीं, ऑफलाइन के लिए हमेशा ग्रुप पकड़िए। ये अपना ऑफलाइन मारते हैं तो ये अपना ऑफलाइन का टिप्स, ऑफलाइन का बता रहे हैं हम लोग। 50 लड़का मारते थे ऑफलाइन, ऑफलाइन में जो होता है ना ग्रुप में उसमें पूरा अच्छा लगता है, टॉप कौन कर रहा है, टॉप 5 में किसका नाम जब बोलता था ना तब लगता था चलो टॉप 5 वहाँ पे ऑनलाइन में दिखाता रहता है। ऑनलाइन में वो अकेले में ऑनलाइन ठीक है, और जब ऑफलाइन मार रहे हैं अकेला नहीं मारना चाहिए, उसमें क्या होता है मारते मारते माइंड थक जाएगा, लगेगा छोड़ो बाद में मार। एक लड़का राजन है चेन्नई का, 31 है, 97 मारता है दिन उसका, वो सेट मारता था 70,000, 1,00,000 लाख बच्चा उसमें सेट मारता था, तो उसमें उसका 93 स्कोर मतलब वो रैंक आता था। तो अब उसका फिक्स होगा ही होगा, उतना अच्छा लड़का रहेगा तो काहे नहीं होगा। तो आप भी कोशिश कीजिए उतना लाने का। देखिए मुश्किल है क्योंकि हमको भी नहीं आया, हमको भी 600-700 रैंक तक आता था, है ना, उस 100 के अंदर हम नहीं आ पाते थे जिसमें लाख से अधिक बच्चा मतलब दिया हुआ है। तो ट्राई कीजिए बस, ऐसा नहीं है टॉपर का ही होता है, रैंक कम भी आएगा तो घबराना नहीं है एग्जाम में टाइम देखते हुए। खैर इस वीडियो में इतना ही, काफी लंबा वीडियो हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।